लेकिन यार भाई कह रहे बारिश हो रही है, सनरूफ ही थोड़ी चेक कर लो इसकी। गाड़ी मुझे 2 दिन में मिलती है। वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस कार की डिलीवरी लेने वाले हैं और इस कार की एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल बात है, मतलब डिलीवरी से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्पेशल बात है। ये कार गौरव भाई ने लिया है। तो गौरव भाई वेलकम टू माई चैनल। सबसे पहले तो थैंक यू भाई। सबसे पहले ये बताओ आपको गाड़ी मैंने कितने दिन में दिला दिया? गाड़ी मुझे 2 दिन में मिल गई है। बाकी भाई अपना एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन दे दो, बाकी फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम गौरव है और मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ, अपना बिजनेस है और मुझे गाड़ी एसयूवी चाहिए थी, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था। तो अभी आपने जो स्कॉर्पियो इनका Z8 वेरिएंट ये लिया है, ठीक है, तो L भी आता है इसके अंदर, L की तरफ आप क्यों नहीं गए? L की तरफ इसलिए नहीं गया कि एक तो प्राइस का बहुत डिफरेंस है उसमें और इसमें जो फीचर डिफरेंस है ना, मतलब मुझे जो फीचर्स चाहिए थे वो इस गाड़ी में सब कुछ है। जो जो मुझे चाहिए थे इसमें सब कुछ था। बाकी अभी हम यहाँ पे पंचकुला में HBS मोटर्स है, यहाँ से अभी हमने फिलहाल डिलीवरी ली है स्कॉर्पियो की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कुछ यहाँ पे कंप्लीट लुक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। फ्रंट से पूरी ही कार ना टॉप एंड वेरियंट लगती है। बाकी भाई ब्लैक कलर का कोई खास रीजन? ब्लैक तो फिर फेवरेट कलर है मेरा। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कार है वो लाइट कलर में थी। अच्छा, तो मेरा प्रेफरेंस था कि मैं एक डार्क कलर में लूं और ब्लैक तो एवरग्रीन बेस्ट कलर है। बाकी ओवरऑल अगर इसके प्राइस वगैरह की बात करें तो आपको ऑन रोड, ये मतलब चंडीगढ़ रजिस्टर हो रही है कार, तो ऑन रोड आपको ये कितने की पड़ गई? चंडीगढ़ रजिस्टर ये मेरे को ऑन रोड पड़ रही है 22,50,000 ऑन रोड कर करा के। अच्छा चलो तो बढ़िया फिर, तो मतलब काफी ओवरऑल ना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है इसको कह सकते हो। बहुत अच्छी डील मिली है इस रेंज में, मतलब मेरे को लगता कोई भी सेगमेंट बीट कर सकता है। बाकी फिर भी जैसे अगर स्कॉर्पियो के तो चलो आपको बुकिंग बहुत ज्यादा मतलब वेट करना पड़ता है इस कार के लिए, वो तो आपको अब मिल गई है 2 दिन में। बाकी फिर अगर ये आज ना ले रहे होते तो आज कौन सी कार आप 25 लाख के नीचे कंसिडर कर रहे होते? मेरा जो सेकेंड ऑप्शन था वो टाटा हैरियर था। अच्छा टाटा हैरियर, बट उसके लिए उसका जो नया मॉडल था मैं उसकी फिर वेट करता फेसलिफ्ट आने फेसलिफ्ट के लिए, बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज स्कॉर्पियो है। ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह भी ज्यादा बढ़िया इसी की है। एग्जैक्टली। बाकी थोड़ा वेरिएंट ना डिटेल में बताओ कि आपने कौन सा मतलब लिया ये? ये है Z8 डीजल ऑटोमेटिक ट्रांजिशन और टू व्हील ड्राइव वाला ना? सब कुछ है, टू व्हील ड्राइव है, फोर व्हील ड्राइव नहीं है। और इसमें 18 इंच के अलॉयज हैं, कंपनी फिटेड R8, बाकी सनरूफ वगैरह है और इनबिल्ड सब कुछ, जो भी फीचर्स सब कुछ मिल क्रूज कंट्रोल वगैरह, म्यूजिक सिस्टम। बाकी ना यार ये सही में बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को वेरिएंट लगता है। अगर हम डायरेक्टली से टॉप एंड वेरिएंट से कंपेयर करते हैं, टॉप के अंदर बेसिकली क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके अंदर, यहाँ पे आपको एक कैमरा मिल जाएगा जो कि इस पे नहीं है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे जो इस पे नहीं है, वो भी दो ही मिलते हैं आपको साइड से। एंड मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है तो कोई खास यूज नहीं है दोनों ही चीजों का इस कार के अंदर। ओवरऑल Z8 का लुक आप देख सकते हो, बिल्कुल टॉप वेरिएंट की तरह ही लग रहा है, कोई डिफरेंस इतना नहीं है। बाकी यार टाइम हमें काफी ज्यादा हो गया और ऊपर से बारिश भी हो रही है, आप देख ही सकते हो साइड से ऐसी कुछ आपके यहाँ कार देखने को मिल जाती है ब्लैक कलर के अंदर ना, सही में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है। और डिलीवरी पे भी आपकी बारिश होगी शुरू। बाकी अलॉयज 18 के हैं, अंदर से आपको एक बार इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो बिल्कुल ही टॉप वेरिएंट जैसी है, यहाँ पे आपको लेदर पूरा ट्रीटमेंट इस पे देखने को मिलता है। डैशबोर्ड पे स्क्रीन 8 इंचेस की है, लेदर में आपको यहाँ पर पूरी इसकी सीट्स मिल जाती है, सनरूफ वगैरह 6 एयरबैग्स आ रहे हैं, डोर पैड कुछ ऐसा है लेदर पैडिंग वगैरह के साथ। तो ओवरऑल काफी वैल्यू फॉर मनी ये वेरियंट मेरे हिसाब से है, तो अगर आप भी इसको कंसिडर कर रहे हो तो आप जरूर से जा सकते हैं इसके लिए। बाकी भाई के लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ जो कि है इन्वॉल्व 1 का क्लासिक कार परफ्यूम। भाई इसे अभी खोल लो और अभी अपनी कार के अंदर लगा लो, साथ ही साथ ना रिव्यू भी दे दो कि आपको फ्रेग्रेंस इसकी कैसी लग रही है। बहुत अच्छी स्मेल है इसकी, बहुत अमेजिंग है, सूदिंग है बहुत ज्यादा। हाँ वो चीज है। तो भाई अगर आप भी बाय करना चाहते हो इन्वॉल्व का कोई सा भी कार परफ्यूम तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और इसको भाई यहाँ पे अभी फिलहाल रख देते हैं इस बॉटल होल्डर के अंदर, ठीक है, परफेक्ट जगह है इसके लिए। हाँ परफेक्ट जगह, और ऊपर से ना यहाँ से लेके लास्ट तक मतलब ये बनाई एसयूवी के लिए, पूरी फ्रेग्रेंस इसकी ऑटोमेटिकली कार में फैल जाएगी। बाकी रियर से आप यहाँ पे देख सकते हो सीट्स वगैरह फोल्ड आप इस पे ऐसे कुछ इसकी कर पाएंगे।
एंड फिलहाल आगे वाली थोड़ी सी करनी पड़ेगी जस्ट, नहीं ऐसी ही हो गई है ये आप देख सकते हो। एंड अब बारिश थोड़ी और तेज़ हो रही है। फोर्ड मैं क्यों दिखा रहा हूँ, यहाँ पे महिंद्रा देखो ना, बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है। बाकी टाइम हो गया है 6:30, डिलीवरी लेते लेते थोड़ा सा ना अब लेट हो गए हम। बाकी ना यार भाई कह रहे बारिश हो रही है, सनरूफ ही थोड़ी चेक कर लो इसकी। वीडियोस आपने देखी है वैसे काफ़ी सारी, ये वाला ये शीशा तो हमारा वैसे ही खुला है, अभी बंद कर लेते हैं। सनरूफ देख लो कोई लीकेज वगैरह अभी तक तो नहीं लग रही, अंदर से भी ठीक है, कोई लीकेज वगैरह नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी कर देते हैं एक बार इसको बरसात, उनकी फैमिली उनके फ्रेंड्स वगैरह भी सारे आए हैं, तो थोड़ा थोड़ा रिव्यू इन सब से भी लेते हैं। भाई आपको कैसी लगी कार? मस्त, मैं भी हैरियर लेने की सोच रहा था बट अब कैंसिल कर दिया मैंने। अब स्कॉर्पियो पे जाओगे? स्कॉर्पियो लूंगा। अंकल जी आपको कैसी लगी कार? ठीक लगी, बढ़िया लगी। मतलब आप किस तरीके की सोच रहे थे, मतलब कैसी कार आने वाली है घर पे? इस टाइम पे बेस्ट सेगमेंट है इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी कार दैट इज अंडर 25 लाख। अभी के टाइम पे और भी ऑप्शन आ ही नहीं रहा मेरे हिसाब से, तो 7 सीटर्स में आ भी नहीं रहा ये ऑप्शन दैट इज अंडर 25 लाख। इनोवा हाई क्रॉस थोड़े फिर रेंज ऊपर हो जाती है, रेंज ऊपर हो जाती है ऑफ कोर्स, ये रहा फेसलिफ्ट आ रहा है मेरा, बट इसका जो अभी ये वाला मॉडल आया Z8 ऑटोमेटिक डीजल बेस्ट है। बाकी भाई अगर आपको लेनी होती और आपका स्कॉर्पियो मतलब बुकिंग आपको मिल नहीं रही होती है कार, तो आप कौन सी कार की तरफ जाते हैं? अगर मैं स्कॉर्पियो ना ले रहा होता फिर मैं जाता XUV 700। मतलब लेनी महिंद्रा ही होती है, मतलब ये प्राइस पॉइंट फिक्स हो चुका है सभी का कि 20-25 लाख की अगर गाड़ी लेनी है ना तो महिंद्रा का ही अभी फिलहाल बेस्ट सेगमेंट माना जा रहा है ये वाली प्राइस रेंज में। तो भाई यहाँ पे अब लग रहे हैं रिबन वगैरह और एक बार चलते हैं ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा ना एक पेपर वर्क रह गया वो यहाँ से लेना, मतलब टेम्परेरी नंबर बेसिकली रह गया वो लगेगा और फिर हो जाएगी डिलीवरी कार की। बाकी भाई नंबर प्लेट आ गई है, ये लग गई है 8507 इसका नंबर लगने वाला है। और अंधेरा हो गया, बारिश तेज ही हो जा रही है, जल्दी से लेके ना निकलते हैं अब, और टाइम भी मतलब बंद हो गया शोरूम के होने का, डीजल वाली है ये। बाकी अब पीछे वाली नंबर प्लेट भी आ गई है, वो लग रही है यहाँ पर। भाई आपको कैसी फील लगा रही है, मतलब फाइनली कार आपकी हो चुकी है, पूरे सब कुछ काम हो गया, अब 10 मिनट में आप लेके जा रहे हो उसको? बहुत अच्छी फीलिंग है, थोड़ा बारिश ने कर दिया बट अब बारिश से थोड़ा वो कर दिया, बहुत एक्साइटमेंट है गाड़ी चलाने की। नहीं इससे पहले वैसे आपने टेस्ट ड्राइव ली हुई है इसकी? हाँ टेस्ट ड्राइव ली थी मैंने Z8L की टेस्ट, वो तो ड्राइव तो सेम ही रहती है, सेम है, बहुत अच्छा लगा था, बढ़िया गाड़ी है चलाने में, मजा आएगा। ऑटोमेटिक मैनुअल से तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ये बढ़िया है मेरे हिसाब से तो, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी नंबर ही आया है और अभी थोड़े दिनों में लग जाएगा इस पे चंडीगढ़ का नंबर। बाकी अब होने जा रही है यहाँ पे डिलीवरी स्टार्ट। संदीप का प्रॉपर वाला ही टेस्ट है, बस लगातार ही गिरे जा रहे हैं इसके ऊपर पानी। अब बारिश में थोड़ा डिलीवरी का माहौल सा वो खराब हो जाता है, डिलीवरी चाहिए होती है अच्छे मौसम में, ना ज्यादा धूप हो ना ज्यादा बारिश हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कार तो लेके जानी ही आज वही, अब साफ भी इतनी उस तरीके नहीं होती बारिश में, स्टिकर वगैरह ये लग चुका है। और ये वैसे ना आपको थोड़े टाइम बाद रिमूव कर लेना चाहिए, मतलब जैसे अभी ले रहे हो कार लगाए रखो रिबन, घर जाके इसको हटा दो, इसका पता क्या चक्कर होता है, इस पर ये कलर छोड़ देता है और ये फिर नीचे वाले कलर पर ना थोड़ा सा इफेक्ट डाल देता है, इसको साथ के साथ मतलब डिलीवरी लेते ही रिमूव कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी महिंद्रा वालों की ओवरऑल सर्विस वगैरह देखते हैं अंदर, मतलब डीजल डूजल दे रहे हैं गाड़ी के या नहीं, सर डीजल डूजल क्या चक्कर है इसमें, दे रहे हो नहीं दे रहे? अच्छा तो ये देखो HVS मोटर्स में यहाँ पे रिजर्व पे नहीं देते गाड़ी, ये इनका है डीजल है सर, डीजल डाल के देते हैं, रिजर्व नहीं लगाएगा कहीं पे, नहीं रिजर्व नहीं है सर। ये चलो ये बढ़िया चीज है, मतलब कस्टमर कम से कम 100 किलोमीटर तो 400 किलोमीटर तो कहीं ना कहीं जा सके अपना। बाकी अगर कोई भी महिंद्रा की कार लेनी हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो पुनीत जी से, इनका नंबर ना नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी सबसे जल्दी आपको ये डिलीवरी दिला देंगे महिंद्रा की, चाहे कोई सी भी गाड़ी लेनी हो तो। बाकी यहाँ पे देख लो इंफोटेनमेंट स्क्रीन कुछ इस तरह की है, एप्पल कार प्ले आ गया इसके अंदर? अभी नहीं सर, अपलोड हो गया, अपडेट हो गया है। कितने टाइम तक दे दोगे इसमें? 4-6 था उस हिसाब से डिलीवरी ली जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे भगवान जी के दर्शन होने चाहिए तो वो हो ही रहे हैं, बाकी तो ऐसी कुछ थी है कंप्लीट कार, मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा,
डिलीवरी लेने में कार की, बस टाइम थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। बाकी 82 आए साथ डिलीवरी लेने। बाकी भाई ये महिंद्रा का गिफ्ट रहता है, इसमें भाई सब बचेंगे, इसमें मिला मिलता क्या है बेसिकली, बाद में खोलेंगे इसको। चलो मेरे खुद नहीं पता इसके अंदर होता क्या क्या, चेक ही कर लेते हैं। चेक करके देखते हैं, इसमें देते क्या है महिंद्रा वाले, मतलब इतनी अच्छी पैकेजिंग वगैरह कार के अंदर ही करते हैं इसको। कौन चला रहा है? ये चलाएगा। चलो चलो करो, शुरू करो, शुरू तो है ही, कार स्टार्ट तो है ही। पहली ऑटोमेटिक कार है? पहले मैनुअल ली थी। वैसे थी कौन सी चीज पहले? अच्छा डिजायर सी, वैसे सीधा स्कॉर्पियो एंड फेवरेट हो रहा है। हो गई फाइनली गाड़ी की डिलीवरी भी खत्म। कोई ये बारिश नहीं यार, कितनी ज्यादा तेज हो रही है। यहीं बिठा लो, यहीं से फिर आगे निकल जाना। बाकी ये वाली तो यहां भाई बारी है, 14 किलोमीटर की 40 भाई पूरी आ रही है। बढ़िया वीडियो पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू।